याद नहीं करना। इतने भाग में चंबल सहायक, इस भाग से बेतवाई सहायक, उर्मिला के लिए छतरपुर में सहायक इसकी केंद्रीय में। ये जो भाग है यहाँ से किस में जा रही है? गंगा। सोन की कहाँ गई? गंगा। अब याद, अपन अमरकंटक से जाएगी अपनी एक नदी नर्मदा, नर्मदा, और ये खंभात की खाड़ी में हो गई फिनिश। तो अब एक बार नर्मदा के आसपास जितनी भी नर्मदा जिस जिले से जाएगी उसके आसपास जितने भी जिले होंगे वहां से जो भी नदी निकलेगी वो नर्मदा। ठीक, तो एक पहली नदी अपनी गिर रही है किसी जगह और तो सब मिल गई थी अभी तक। अब याद, इस वाले क्षेत्र से इतने एरिया से जो भी नदी निकलेगी, ठीक, यहां से निकालेंगे सिवनी से बैन गंगा, बैन गंगा बहती हुई नीचे की हो रही है छिंदवाड़ा से जो भी नदी निकलेगी इस पॉइंट से इतने एरिया से, ठीक, वो बैन गंगा ही सहायक। ठीक, जैसे पेंच छिंदवाड़ा से निकली ये गई, बैतूल से निकलेगी वर्धा वो भी नीचे चली गई, ठीक है, जब नीचे जाएंगे तो अपन क्या कह सकते हैं यहाँ से ताप्ती निकलेगी अंतिम नदी अपनी ताप्ती, जो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया पूछी जाती है, ताप्ती भी गई खंभात में, धार से निकलेगी माही, हर किताब वाला ये लिखता है कि मध्य प्रदेश की दो ही नदियां हैं जो खंभात की खाड़ी में गिरती है, जो मैं उल्टा पढ़ाता हूँ, मध्य प्रदेश की तीन नदियां हैं जो खंभात की खाड़ी में गिरती है, माही रतलाम गई है तो एक बार कर्क रेखा काटी, राजस्थान का है अपना बांसवाड़ा जिला, बांसवाड़ा वहां पर इसने फिर से कर्क रेखा काटी, तो माही ऐसी नदी है विश्व की जो कर्क रेखा को काट रही है दो बार। तो अब एक क्वेश्चन बता दो इसी बात पर, तीन नर्मदा माही और ताप्ती नदी को छोड़कर ये तीनों कहां गिर गई? खंभात में, बाकी नदियां कहां गिरती हैं? बंगाल, बंगाल की खाड़ी में ना आई, एक तो गंगा मिल गई, यमुना मिल नहीं ना, तो क्या रखो नर्मदा ताप्ती माही इन तीन नदी को छोड़कर मध्य प्रदेश की सभी नदियां एक या दूसरी नदी में मिल जाती, गिरती नहीं है इसमें मिल जाती। पॉइंट्स क्लियर हो गया? ठीक, तो अब अपन आ रहे वापस छिपरा पे, छिपरा का मात्र एक क्वेश्चन आता है उज्जैन किस नदी के तट पर बसा है? छिपरा, मेला सिंगस, ठीक, घाट है राम का, ठीक, नदी है अपनी छिपरा, लाइन याद कर लें, नगरी है उज्जैनी, मेला है सिंगस, घाट है राम का, नदी है छिपरा, मंदिर है महाकालेश्वर, नगरी उज्जैनी, घाट रामघाट, मंदिर महाकालेश्वर, नदी छिपरा। छिपरा नदी मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र की सबसे प्रदूषित नदी है, मतलब सबसे स्वच्छ नदी, इसलिए छिपरा को कहा जाता है मालवा की गंगा। समझ गए? मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है? बेतवा। तो एमपी की गंगा बेतवा। बुंदेलखंड की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? बेतवा। उपनाम दोनों क्लियर? नर्मदा। एमपी की जीवन रेखा कौन सी नदी है? नर्मदा। तो एमपी की जीवन रेखा नदी है अपनी नर्मदा। नर्मदा। गुजरात जीवन रेखा किस नदी को बोलते हैं? नर्मदा। ये नर्मदा। दोनों पॉइंट्स क्लियर? ये पांच उपनाम है, पांच एक बार बता रहा हूं, मालवा की गंगा कर्क रेखा काटने वाली माही, एमपी की गंगा बेतवा, बुंदेलखंड की जीवन रेखा बेतवा, गुजरात की जीवन रेखा नर्मदा और एमपी की नर्मदा। दो नदी बनाओ फिर अपन आगे बढ़ो। देवास की बागली तहसील नदी का नाम अपन याद रखेंगे, यहां से निकलती अपनी काली सिंध, अपना इंदौर, इंदौर से निकली अपनी चंबल। ठीक, तो यार देखो देवास की तहसील क्या ले रहे हो आप?
तहसील क्या ले रहे अपन? मांगली से नदी निकाले अपन काली सिंध, इसका फ्लो देखिए कैसे आई, साजापुर होते हुए गई है ये, साजापुर बहते हुए झालवाड़ा स्टेट में इसकी फिनिशिंग। ठीक, काली सिंध का सिर्फ एक ही पॉइंट आएगा, बागली किस नदी के तट पे बसा है। ठीक, देवास की एक और तहसील है सोनकच, किस नदी के तट पर पड़ती है। मक्सी इंडस्ट्रियल एरिया किस नदी के तट पर है, तो ये पूछ सकता है। ठीक, झालवाड़ा स्टेट किस नदी के तट पर है, ये सिर्फ तटीय नगर पूछे, काली सिंध का इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक, नेक्स्ट है अपना सीहोर जिला, यहां से नदी निकाल रहे अपन पार्वती, और पार्वती नदी सीहोर से निकली है राजगढ़, साजापुर और झालवाड़ा स्टेट के पास में जाके चंबल में ये फ्रेश हो गए। ठीक, सीहोर की तहसील पूछेगा आस्था, किस नदी पर है, इंडस्ट्रियल एरिया भी है तो ये अपना स्टार लगाना है इसको। राजगढ़ भी पूछा जाता है, ये दो पॉइंट आपको स्टार है जो पार्वती पर पूछ सकता है। ठीक, अब देखो विदिशा का पॉइंट लेते हैं अपन, मैं विदिशा में इधर सेट कर रहा हूँ, जो हॉटस्पॉट डायग्राम में हो ना, विदिशा से निकाले अपन एक नदी है सिंध, ये काली सिंध है और ये सिंध है और जम्मू कश्मीर में बैठे वो सिंधु है, तीनों वर्ड में कंफ्यूज नहीं हो जाना। सिंध निकली अपनी नदी, गुना को तोड़ती है दो भाग में, क्वेश्चन आया है पीएसडी में, कौन सी नदी गुना को दो भाग में विभाजित करती है, तो अपनी सिंध, तो ये शिवपुरी गई है, शिवपुरी के बाद गई है दतिया, दतिया से फिर गई है लाहार और लाहार से इटावा के पास चंबल में फिनिश, समझ गए सिंध को। ठीक, लेकिन इसका शिवपुरी के दो इंपॉर्टेंट टर्म मैं इधर ले जा रहा हूं। ठीक है, दो परियोजना बनाई है सिंध नदी पर। ठीक है, शिवपुरी पहला है अपना मोहिनी, बहुत छोटा डैम है, इसका चांस नहीं है आपसे बिजली पूछे, लेकिन सिर्फ इतना पूछे किस जगह पे है, कौन सी नदी पे बना है। अब एक लाइन याद कर लूं तो मैं याद नहीं करना, वरना फिर तुम याद करते रहो कैसे, मोहिनी और अटल, क्या बोले पर, मोहिनी और अटल मणिखेड़ा के किनारे। ठीक है, अब मणिखेड़ा बांध पर सिंध नदी के तट पर शिवपुरी में घूम रहे हैं। अटल और मोहिनी मणिखेड़ा डैम के किनारे सिंध नदी के तट पर शिवपुरी में घूम रहे हैं। पांचों पॉइंट आ गए। अब नेक्स्ट दतिया में इसका एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रतनगढ़ वाली माता का मंदिर किस नदी पे है। इस मंदिर की विशेषता ऐसी है कि जिस दिशा में सूर्य जाता जाएगा वो माता का मंदिर का जो मुंह है उसी दिशा में जाएगा। ठीक है, मान लो ऐसे अब ये निकल रहा है पूरब से, तो जब जाएगा तो पश्चिम में उनका फेस हो जाता है। ठीक, जिस दायरे में सूर्य रहेगा उस दायरे से उनका फेस रहेगा। ठीक, तो ये लेकिन इसका एक क्वेश्चन नवरात्रि में भगदड़ मच जाने के कारण ये हुआ। ठीक, दूसरा इसके अलावा एक और आता है, सनपुआ का मेला किस नदी पर लगता है। ठीक है, ये भी तृतीय में पड़ता है जगह, और ये भी अपना सिंध नदी के तट। दो नदी क्लियर हुई, इतना बनाओ फिर अपन आगे बढ़ते।